सभी साथियों को नमस्कार। मैं सुनीता सैनी हरियाणा से आज के ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन में आप सबका स्वागत करती हूं। आज मेरा विषय है विज्ञान और उप विषय है दहन और ज्वाला। आज के सेशन के जो हमारे लर्निंग आउटकम्स रहेंगे वो कुछ गतिविधियों के माध्यम से मैं प्रयास करूंगी उन्हें अचीव करने के लिए कि बच्चे जो है गतिविधियों के द्वारा ये जान पाएं कि दहन क्या है, दहन के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन कौन सी हैं, ऐसा क्यों होता है कि कोई तो वस्तु तुरंत आग पकड़ लेती है और कोई वस्तु कुछ समय लेती है आग पकड़ने में, ज्वाला क्या है, इसके कितने भाग हैं, ये सब मेरे बच्चे आज समझ पाएंगे, जान पाएंगे, ऐसी मेरी आशा है कुछ गतिविधियों के द्वारा। तो आइए अब हम चलते हैं हमारे क्लासरूम की ओर और करते हैं कुछ गतिविधियां। स्वागत है आपका। गुड आफ्टरनून बच्चों। गुड आफ्टरनून मैम। कैसे हो? अच्छे। आज आप कुछ गतिविधियां करेंगे, वो गतिविधियां जो केवल आप ही करेंगे, मैं नहीं करूंगी, और उन गतिविधियों के माध्यम से हम कुछ सीखेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, गतिविधि करेंगे और उसके बाद ये जानने का प्रयास करेंगे कि उससे हमें क्या बता किसे क्या। हाँ, गतिविधियों के माध्यम से हम करके सीखेंगे, ठीक है। तो तैयार है आप? हाँ जी। गतिविधियां करने के लिए तो सबसे पहले विकास, एक कागज ले लो, नया कागज, चलो 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 जल्दी करो, ये ले कागज। तो अब विकास जो है वो एक गतिविधि करके दिखाएगा आपको और उसके बाद आप मुझे बताएंगे कि आपको क्या सीखने को मिला इससे। इधर आ जाओ, कागज करो आप। क्या किया विकास ने? क्या किया विकास ने? कागज को जलाया। जलाया जैसे ही मैंने जल्दी हुई माचिस की तिल्ली विकास के लाए हुए कागज के पास रखी, कागज ने तुरंत आग पकड़ ली। आपने देख ली, ये चीज हमने देख ली। अब ऐसा करो, आप एक कैंडल लाओ। चलिए, वो एक गतिविधि थी। अब जो है विकास दूसरी गतिविधि करेगा। करो बेटा, क्या नजर आ रहा है आपको? और उसके ऊपर कांच की एक बोतल, खाली है या भरी हुई है? खाली है, खाली है। सभी बच्चों को नजर आ रहा है कि कांच की एक खाली बोतल हमने जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर रखी हुई है। तो अब आप पहले बोल रहे थे कि ये मोमबत्ती जल रही है और अब नहीं जल रही है, अब मोमबत्ती जल गई, बुझ गई। क्यों बुझ गई? ऐसे नहीं, एक बच्चा, अब आप बैठो नेहा, क्योंकि अभी इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं पाई, जो इनकी बोतल के अंदर ऑक्सीजन वो थोड़ी देर तक इसको मिली और जो इनकी बाहर की ऑक्सीजन वो उसे मिल नहीं पा रही है, तो इसलिए मोमबत्ती नहीं गई, बुझ गई। चलिए अब हम एक और एक्टिविटी करेंगे, उसके लिए मुझे चाहिए दो बच्चे। आ जाओ दो, आ जाओ, मोमबत्ती जलाओ, चलो चलो, शाबाश। दो एक्टिविटीज की थी, एक में कागज जलाया था और दूसरे में हमने क्या किया, जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर उल्टा करके रख दिया और हमने ये देखा था, क्या देखा था हमने विकास, कि मोमबत्ती बुझ गई। चलो अब हम एक
बच्चे क्या कर रहे हैं। अभी आप ऐसा करो, इस पानी में उंगली डाल के देखो। चलो अब आप इसमें डाल के देखो, कोई बात नहीं। चलो ये वाला कोई और बच्चा देखना चाहता है, कोई और बच्चा देखना चाहता है। हंसिता आ जाओ जल्दी से, पहले इस पानी को चेक करो, ये कैसा पानी है उधर सबको बताओ। और ये उन बच्चों को बताओ बेटा, ये पानी बैठो आप रखो इसको। तो अब जो है आपने ये एक्टिविटीज दूसरी एक्टिविटी में हमने ये देखा कि बोतल को ऊपर रखने के कुछ समय के बाद मोमबत्ती बुझ गई। और तीसरी एक्टिविटी में हमने ये देखा कि कागज के कप में हमने जब पानी डाला और जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर हमने उसको रखा तो पानी क्या हो गया, गर्म हो गया। ठीक है, तो अब हम प्रयास करेंगे इनका कारण जानने का कि ऐसा क्या हुआ। इन एक्टिविटीज में हमने जो भी देखा उसका कारण क्या है, हम ये जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हमने बात करनी है दहन के बारे में। तो जो पहली एक्टिविटी थी ना हमारी, जिसमें कागज ने आग पकड़ी, वो क्या है, क्या कहेंगे उसको, दहन। तो सिर्फ कागज ही जलेगा उसी को दहन कहेंगे या हम किसी और को भी दहन कह सकते हैं? वास्तव में दहन क्या है ये बताए कोई बच्चा। जया, जब कोई वस्तु को जलकर उष्मा और प्रकाश उत्पन्न करती है उसे दहन कहते हैं। वेरी गुड, क्लैपिंग करो। तो ऋतु बता रही है कि वो
ज्वलन ताप, ज्वलन ताप, ताप। अब ये बताओ कि शुरू में हाँ जी और ये जो कप है ये भी कागज का बना हुआ था, इसको हमने जलते हुए मोमबत्ती पर रखा तो ये जला नहीं, ये नहीं जला बल्कि इसके अंदर रखा हुआ पानी गर्म हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ? कोई तो कारण होगा कि कागज ने तुरंत आग पकड़ ली लेकिन कप ने आग नहीं पकड़ी, कप ने जला कागज का, उसी कागज का बना हुआ पानी गर्म हो रहा है, कारण बताओ, बताओ बताओ, शाबाश बैठ जाओ तो आप। क्योंकि जब वो नीचे जी उष्मा जी वो उसने जी कागज में जी उस पानी को दे दी, उष्मा जो है कागज के कप ने पानी को दे दी और कागज के कप का तापमान उसके ज्वलन ताप तक नहीं पहुंचा। इसका मतलब तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर वस्तु इतनी गर्म होती है जितना उसका ज्वलन ताप है तो वो आग पकड़ेगी और यदि इतनी गर्म नहीं होती तो वो आग नहीं पकड़ेगी। सिंपल कागज को हम जलाते हैं तुरंत जल जाता है वो क्योंकि उसका ज्वलन ताप कम है, परंतु पानी डालकर के जब हम उसको गर्म कर रहे हैं ये नहीं जलता क्योंकि जो गर्मी आई जो ऊष्मा इसको मिली वो इसने किसको दे दी, पानी। इस कप का तापमान इसके ज्वलन ताप से कम रहता है इसलिए ये नहीं जलता। तो तीन चीजें आपको पता चली आज, एक आपको ये पता चला कि दहन क्रिया, बढ़ जाओ बेटा, दहन क्रिया के लिए हमें क्या चाहिए, एक तो ईंधन चाहिए, एक हमें ऑक्सीजन और ज्वलन ताप, ज्वलन ताप। चलिए तो इतना सबको समझ में आ गया, हाँ जी, वेरी गुड। अब हम अगली एक्टिविटी की ओर चलते हैं, उसके लिए भी दो बच्चे आ रहे हैं, उधर से आओ आप दोनों आ जाओ। ये अपने लिए क्लैपिंग करो ना। अब मेरे हिसाब से सभी बच्चों को क्लियर हो गया दहन क्या है और दहन के लिए क्या क्या चाहिए, सबको समझ में आ गया। अब जो है हम अगली एक्टिविटी करेंगे, आपके पास बेटा ये लोहे की निरल है ठीक है और ये सभी बच्चे देख रहे हैं क्या है, जलती हुई मोमबत्ती। जलती हुई मोमबत्ती में ये जो ये नीचे तो मोम है, वैक्सन है नीचे तो, ऊपरी क्या है, क्या जलता है आपको, ज्वाला, ज्वाला। ये ज्वाला क्यों बन रही है बता सकते कोई बच्चा, क्या आपको ये हमेशा ही नजर आती है जब भी कोई चीज जलती है? हाँ, जब जब हम दिवाली में पटाखे चलाते हैं तब नजर आती है, कभी हमें नजर नहीं आती, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई कारण है इसको नजर आने का। चलो मैं बताती हूँ आपको, ये जब मोमबत्ती जलेगी तो जो मोम के वाष्प होंगे वो ऊपर की ओर उठेंगे ठीक है, तो इसकी ज्वाला हमें नजर आती है। जब हम पटाखे चलाते हैं तब क्या होता है, विस्फोट, धमाके के साथ कोई भी वस्तु जलती है जिसकी वजह से ज्वाला नजर नहीं आती। अब देखो इधर, अब हम ज्वाला के बारे में बात करेंगे ठीक है, पर उसके बारे में बात करने से पहले एक्टिविटी करेंगे। बेटा ये एक लोहे की निडल, आप इसको पकड़ो और इसको आपने ना कहाँ रखना है, सबसे नीचे आपने बिल्कुल नीचे रखना है और आपने क्या करना है सबसे ऊपर, ये लो दोनों अलग अलग कैंडल लो और रखो, आप बिल्कुल ऊपर रखना है, आपने ध्यान रखना है बेटा। और आप सभी बच्चों ने ऑब्जर्व करना है, आपकी जो ऑब्जर्वेशन है ना एक स्किल होती है ये, तो उसमें आप निपुण हो जाओगे, आपको किसी चीज को कैसे देखा जाता है ये आ जाएगा इससे, ध्यान से देखना सभी बच्चों। चलो अब रखो इसको, दोनों बच्चे यहाँ मोमबत्ती रखेंगे, आपने इसको कहाँ रखा हुआ था ऊपर और आपने कहाँ रखा हुआ था नीचे, इसको जब हम हाथ लगा रहे हैं देख लगाओ और अब इसको लगाएं, आराम से लगाना ध्यान से, गर्म है या नहीं, ये ज्यादा गर्म है या ये ज्यादा गर्म है, ये ठंडा बता रहा है और ये गर्म, आप भी हाथ लगा के देखना चाहोगे, देखो अब इसको देखो ये ठंडी है और ये गर्म, इसको कहाँ रखा गया था सबसे ऊपर, इसको सबसे नीचे, इसका मतलब इस ज्वाला के भी कई भाग हैं, एक नीचे वाला भाग बिल्कुल सबसे ऊपर वाला भाग। ये एक्टिविटी होगी सबने देख ली, अब एक और
साथ में अब आप क्या हो गया इधर आ जाओ दुष्यंत का की साइड आ जाओ दिखाओ सबको क्या क्या हो गया काजल ये हमारी दूसरी एक्टिविटी है ठीक है अब हम इसका कारण पता लगाएंगे ये काला क्यों हो गया ये एक जो नीचे रखी हुई थी ज्वाला के निचले भाग में रखी हुई थी वो ठंडी क्यों है जो सबसे ऊपर वाले भाग में रखी हुई थी वो इतनी गर्म क्यों है ठीक है अब हम ये कारण पता लगाएंगे बैठो बैठो तो अब हम बात करेंगे ज्वाला के बारे में एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं मान लीजिए ये हमारी मोमबत्ती की ज्वाला है ठीक है अच्छा अब आप ऐसा कीजिए दो बच्चे आए जल्दी से यार अंदर आप आ जाओ करके इधर आ जाओ इस साइड आ जाओ आप भी इधर आ जाओ अब आपने क्या करना है सिर्फ इसको देखना है ध्यान से देखना है आपने देखो देखा क्या दिखाई दिया इनके रंग दिखाई इनके रंग दिखाई एक रंग है राजी तीन रंग आजी एक नीला एक पीला एक काला पहले आराम से बताना आपको सबसे नीचे क्या कौन सा कलर नजर आ रहा है तो राजेंद्र ये बताते हैं कि ज्वाला के सबसे निचले भाग में उसको ब्लैक कलर दिखाई दे रहा है उसके बाद पीला ठीक है और सबसे ऊपर नीला नीला तो अब ये पक्का हो गया कि ज्वाला के कितने भाग हैं रखो बेटा इसको सबसे नीचे ब्लैक है और येलो ब्लू ठीक है बैठो बेटा ये तीन रंगों को दिखाई दे रहे हैं अब देखिए आप सभी बच्चों ने एक्टिविटी भी देखी है अब हम यहाँ से समझेंगे उसको कि जब लोहे की नीडल इस नीचे वाले भाग में रखी गई ठीक है दुष्यंत ने रखी दिया तो वो ठंडी थी और जिसको सबसे ऊपर इस ब्लू वाले भाग में रखा गया वो सबसे गर्म इसका मतलब ये जो भाग है आगे देखिए और बीच में यहाँ यहाँ जब वो कांच की स्लाइड करती तो क्या हो गया था गास, गास क्या हुआ था वो काली हो गई थी ब्लैक हो गई थी वहां काजल बन गया था जी काला होना इस बात को दर्शाता है कि यहाँ पर ईंधन का दहन पूर्ण नहीं है यहाँ पर कार्बन के अर्धचंद्रक हैं जिसकी वजह से ये काला रंग दे रहा है यहाँ पर ज्वाला का भाग जो है ये नीले रंग का है यहाँ पर पूर्ण दहन है कोई भी बिना जला कार्बन का कण नहीं है तो अब देखो ज्वाला के भाग भी तीन हो गए एक सबसे नीचे ब्लैक कलर फिर येलो फिर ब्लू यहाँ पर सबसे कम तापमान है यहाँ सबसे अधिक तापमान है बीच वाले हिस्से में अपूर्ण दहन है और सबसे ऊपर वाले पूर्ण दहन ठीक है अब जो है हम तो आपने आज जो भी एक्टिविटीज देखी जो भी एक्टिविटीज की उससे हमने क्या सीखा दहन क्या है दहन एक ऐसी क्रिया है जिसमें उष्मा उत्पन्न होती है और प्रकाश उत्पन्न होता है दहन के लिए क्या क्या चाहिए ईंधन ऑक्सीजन ईंधन चाहिए ऑक्सीजन चाहिए जो ज्वलंत आप क्या है जिस तापमान जिस तापमान पर कोई वस्तु आग पकड़ती है उसका ज्वलन ताप कहलाता है। इसके बाद हमने ज्वाला के बारे में पढ़ा और ज्वाला में क्या पढ़ा हमने तीन भाग होते हैं ज्वाला के और तीनों के रंग अलग अलग हैं, तीनों का तापमान अलग अलग है और तीनों में दहन की क्रिया भी अलग अलग